नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। अगर कोई क्रिकेटर 19 साल की उम्र में अपना क्रिकेट खेलना शुरू कर दे और सिर्फ 31 साल की उम्र में ही अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल ले तो कहा जा सकता है उसके करियर में सब कुछ अच्छा नहीं रहा है। उस उम्र में जब माना जाता है आदमी सबसे ज्यादा मैच्योर होता है और खासकर बल्लेबाज तो उस उम्र में शानदार बल्लेबाजी करता है, लेकिन इस खिलाड़ी ने उस उम्र में अपना करियर खत्म कर लिया। हम बात कर रहे हैं वेस्टइंडीज टीम के धाकड़ बल्लेबाज राम नरेश सरवन की। राम नरेश सरवन का जन्म 23 जून 1980 को गुयाना में हुआ था। कम उम्र में ही सरवन बल्लेबाजी में अपना टैलेंट दिखा रहे थे। 19 साल की उम्र में ही उन्हें वेस्टइंडीज के लिए डेब्यू करने का मौका मिल गया था। पहले टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 84 रन की पारी भी खेली थी। हालांकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो बुरी तरीके से फेल हुए थे और सिर्फ 3 रन बना पाए थे 5 पारियों में। 2002 में उन्होंने अपने करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने अपना दूसरा शतक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाया। ऑस्ट्रेलिया उस दौरान अजेय टीम मानी जाती थी। 2003 में खेले गए उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया शुरुआती 3 टेस्ट मैच आसानी से जीत चुकी थी। चौथे और आखिरी टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज को जीत के लिए चौथी पारी में 417 रन चेस करने थे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। सरवन ने इस दौरान शानदार शतकीय पारी खेली थी। वेस्टइंडीज ने ये मुकाबला 3 विकेट से जीता था। ये आज भी एक रिकॉर्ड है। उस पारी के दौरान ग्लेन मैकग्रा और सरवन के बीच जोरदार भिड़ंत हो गई थी। सरवन ने इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। सरवन अपनी चोट और टीम में झगड़े की वजह से बहुत बार टीम से बाहर हुए। आखिरकार 2016 में उन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर ही दी। सरवन की करियर की बात करें तो सरवन ने 2000 में बारबाडोस में पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। उन्होंने अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए कुल 87 टेस्ट मैच खेले और जिसमें 40 की औसत से 5,882 रन बनाए। टेस्ट में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 291 रन रहा, जो उन्होंने 2009 में इंग्लैंड के खिलाफ बारबाडोस में ही बनाया था। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच भारत के खिलाफ 2011 में बारबाडोस में खेला। सरवन के वनडे करियर की शुरुआत 2000 में इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी। उन्होंने 181 वनडे मैचों में 42 की औसत से 5,804 रन बनाए। वनडे में सरवन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 120 रन है, जो उन्होंने 2013 में जिम्बाब्वे के खिलाफ बनाया था। सरवन ने ब्रायन लारा के बाद टीम की कप्तानी भी की थी, हालांकि वो ज्यादा दिनों तक इस पद पर नहीं रह पाए। उन्होंने 4 टेस्ट, 5 वनडे और कुछ T20 मैचों में टीम की कमान संभाली थी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।